पर जब घर से निकल रहे थे सामने देखा तो भाई बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर मेरी तरफ आके दौड़ा तो मुझे लगा भाई हमला करने वाला, फट के हाथ में आ गई थी। घर का गेट तो खुला है छोड़ दिया, पर सामने देखा तो सारे बंदरों ने रास्ता रोक के रखा हुआ था। परिंदों ने छोटू बंदरों को खेलता हुआ देख के मजा ही आ गया, पर इसकी मम्मी ने तो उठा के इसको चौकसले में दे दिया। ये बंदर को देख रही थी मैंने, अचानक ग्लास खोल दिया तो ये इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे पे। फाइनली घर से निकल के हम एक गिफ्ट शॉप में पहुंचे जहाँ पे हमको कुछ खरीदना था, पर बहुत ज्यादा ढूंढा पर जो चाहिए था वो हमको मिला ही नहीं। तो वहाँ से हम लोग दूसरी शॉप में पहुंच गए जहाँ पे हमको एक सब्सक्राइबर मिल गया। भाई बहुत मस्त बंदा था, इसको शॉप में भी थोड़ा परेशान किया तो थोड़ा गुस्सा हो गई। वैसे वहाँ पे हमको एक सब्सक्राइबर मिले। मेडिकल से कुछ चीजें खरीदी, मम्मी की ब्लड प्रेशर की दवाई ली, इन्होंने हमको कागज के रैपिंग में दिया तो बहुत अच्छी चीज है। प्यास लगी थी तो फेंटा पी, घर गए और घर जाके सबसे पहले चैंप और उल्फी को आइसक्रीम खिलाया। भाई अंकिता अपने हाथों से खिला रही थी, वो देख के ना मुझे मजा ही आ गई। फिर हम लोग वापस बाहर निकले हमारे भैया जी के वहां से जूस पीने के लिए। मैंने जूस ट्राई किया, अंकिता को दूसरी ग्लास में हमने जूस दिया, भाई उसका मुंह खट्टे में जो हो गया था मुझे देख के मजा। फिर वहीं पे एक और सब्सक्राइबर से मिला और इतनी देर में अंकिता की फ्रूट डिश भी आ गई थी जो उसने अकेले खाई क्योंकि उसका फास्ट चल रहा था। हमेशा की तरह एंड मोमेंट पे याद आया कि मुझे डीजल डलाना है, फटाफट जाके डीजल डलाया और फिर घर चले गए। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, फॉलोइंग वीडियोस।